बैतूल जिले के आठनेर में बरसों पुराने हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ताप्ती नदी के तट के पास बने इस मंदिर को अति प्राचीन और सिद्ध बताया जाता है। मंदिर समिति से जुड़े लोग लगातार 21 वर्षों से हनुमान मंदिर पर भंडारा करवाते आ रहे हैं। बैतूल जिले के आठनेर में अति प्राचीन हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में दूर दराज से आए भक्तों ने भंडारे का लाभ लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह हनुमान मंदिर बहुत सिद्ध माना जाता है। ताप्ती नदी के घाट पर स्थित मंदिर पर भंडारे का यह 21वां वर्ष था। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भंडारे में हजारों भक्त शामिल हुए। भक्तों ने ताप्ती नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य भी कमाया। भंडारे को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। समाजसेवी विकेश मालवीय ने बताया कि भंडारे का आयोजन लगातार 21 वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष 10 से 12 क्विंटल की भोजन प्रसादी बनाकर कार्तिक मेले में श्रद्धालुओं को भंडारे के रूप में वितरित की गयी। ताप्ती माँ के जन्मोत्सव पे लगातार ताप्ती पर ये मेला आयोजित होता है। उसमें विकेश मालवीय द्वारा लगातार 21 वर्षों से यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी ताप्ती माता है, यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाए, यही उद्देश्य। इस भंडारे में नगर परिषद आठनेर के अध्यक्ष सूरज राठौर भी पहुंचे। अभी तक 6000 करीबन पब्लिक ने प्रसादी ग्रहण कर लिए है। कितना क्विंटल भोजन बनाया? कम से कम 8-9 क्विंटल का बन चुका है। उन्होंने बताया कि भंडारे में आसपास के गांवों सहित पूरे जिले के लोगों ने प्रसादी का लाभ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, आठनेर।